brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश किसका के वीआईपी सीट पर राजस्थान की दौसा लोकसभा सीट की आज बात करेंगे। दौसा ऐतिहासिक, धार्मिक और साहसिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। दौसा लोकसभा में वो सब है जो आपको देश दुनिया में मिलेगा। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध स्थल भी हैं जिनको देखने के लिए राजस्थानी नहीं देश विदेश के लोग भी यहाँ पर आते हैं। राजधानी जयपुर से दौसा सिर्फ 54 किलोमीटर की दूरी पर है और दौसा का नाम पास के ही देवगिरी पहाड़ी के नाम पर पड़ा। दौसा में धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी है। दुनिया की सबसे गहरी आभा नेगरी चांद बावड़ी भी इसी क्षेत्र में आभा से पूरी दुनिया को रूबरू कराती है। यहाँ भूतों का किला भानगढ़ भी है। इन सब के अलावे दौसा के ने सियासत के कई रूप भी देखे हैं। दौसा ने कई दिग्गज नेताओं का सियासी उदय और अंत भी देखा है। मरुधरा की ये लोकसभा सीट कई मायने में अहम भी है क्योंकि यहाँ लड़ाई सियासत से ज्यादा अहम की होती रही है। ऐसी सियासी लड़ाई को भेदते हुए राजेश पायलट ने दौसा को कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ बना दिया था, लेकिन वर्तमान में दौसा लोकसभा सीट बीजेपी की नई प्रयोगशाला बन गई है। यहाँ पर पिछले 10 साल से बीजेपी के लहर रहा है और ऐसे में कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां भी होगी इस बार लोकसभा चुनाव में। लेकिन इस सीट के सियासी इतिहास को अगर देखें तो कांग्रेस के लिए उम्मीद की एक किरण जरूर नजर आती है। दौसा लोकसभा सीट से बीजेपी ने कन्हैया लाल मीणा को अपना प्रत्याशी बनाया है और उनके सामने कांग्रेस के तरफ से दौसा के में विधायक मुरारी लाल मीणा चुनौती दे रहे हैं। इस बार सांसद के रूप में उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, दोनों ही नेता चार चार बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। दौसा में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा, लेकिन दौसा के सियासी समीकरण को समझने से पहले यहाँ के जानकारों की राय भी जानने जरूरी होता है। इसलिए दौसा के स्थानीय जानकार क्या कुछ कह रहे हैं पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद आपको सियासी समीकरण बताएंगे। बिल्कुल, हर मिनट हर समय मतलब समीकरण बदलते जा रहे हैं और जिस तरह टिकट वितरण में ही हॉट सीट बन गई थी दौसा, किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई को और जसकौर मीणा अपनी बेटी को टिकट दिलाना चाहती थी, काफी खींचतान हुई और खींचतान में कामयाब हो पाए कन्हैया लाल मीणा। एक नया नाम तो नहीं कह सकते क्योंकि चार बार विधायक रहे हैं, लेकिन टिकट के जो नाम आया अचानक तो लोग चौंक गए कि ये कौन है। तो लोगों को बताना पड़ा कि पहले ये चार बार विधायक रहे हैं और साधारण छवि के आदमी हैं। एक बार लगा कि जो मुरारी लाल मीणा है कांग्रेस के प्रत्याशी वो काफ़ी मजबूत हैं क्योंकि वो अभी वर्तमान में विधायक हैं, चार बार विधायक रह चुके हैं, राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते हैं। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी अच्छी पोजीशन में कांग्रेस रहेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों के विचार आने लगे, लोगों से चर्चा होने लगी, तो ये लोग कहने लगे कि जो कन्हैया लाल मीणा है वो साधारण आदमी है, उनकी छवि काफ़ी अच्छी है। हालांकि जो मुरारी लाल मीणा है वो भी एक कुशल पॉलिटिशियन है, उसमें कोई शक नहीं है। दोनों जो कैंडिडेट हैं वो चार चार बार के विधायक हैं, दोनों अपने अपने फन में माहिर हैं, वो उनका सीधापन है, ये कुशल राजनेता है। इस भी नरेश मीणा का भी जिक्र करना चाहेंगे कि मुकाबला त्रिकोणीय रहेगा या सीधा सीधा फाइट है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में? देखो, मुकाबला रोचक हो गया है, त्रिकोणीय अभी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन नरेश मीणा की जो एंट्री हुई है, जो यूथ उससे जुड़ने लगा है, तो निश्चित रूप से जो मुकाबला है वो काफी रोचक हो गया है। नरेश ने इस सीट को चर्चाओं में मिला दिया, एक रिजर्व सीट थी, लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि एसटी की सीट है, कोई भी जीते मीणा जाति का ही सांसद बनेगा, एक अन्य जातियों में एक दिमाग में था। लेकिन जैसे ही नरेश की एंट्री हुई है तो जो दौसा सीट का जो चुनाव है काफ़ी रोचक हो गया है। यूँ नहीं कह सकते कि बीजेपी भारी है या फिर कांग्रेस भारी है, लेकिन 2014-2019 का जो चुनाव था उसमें बाहर के सवाई माधोपुर के जो कैंडिडेट थे, सवाई माधोपुर के जो नेता थे, हरीश मीणा आए, वो साइलेंट वोट से जीत के, तब भी ये लग रहा था कि वो नहीं जीत पाएंगे। किरोड़ी लाल मीणा राजपा से थे उस समय 2014 में, किरोड़ी लाल मीणा जीतेंगे ऐसा माना जा रहा था क्योंकि 2009 में वो निर्दलीय जीते थे। 2019 के चुनाव में ये लग रहा था कि मुरारी लाल मीणा की पत्नी 2.5-3 लाख वोट से जीत जाएगी क्योंकि ये बाहर की है, इनका कोई वोट का आधार नहीं है। लेकिन बीजेपी में मेरा जो अब तक के दो चुनावों का जो एक्सपीरियंस है उसमें व्यक्ति के ऊपर कोई डिपेंड नहीं है। मोदी का जो लहर है, बीजेपी की जो पॉलिसी है,
उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, आरएसएस है, उनका जो घर घर में जो पैठ है वो एक महत्वपूर्ण कारण है। एसटी समाज से जो उसको मिलेगा, क्योंकि दोनों प्रत्याशी अनुभवी हैं, राजनीति के अच्छे खिलाड़ी हैं और लोकल हैं दोनों प्रत्याशी। दोसा लोकसभा क्षेत्र के हैं दोनों प्रत्याशी। भाजपा ने भी एक अच्छे छवि व्यक्तित्व को मैदान में उतारा है। इधर कांग्रेस ने भी एक रंजे मंजे अच्छे खिलाड़ी को मैदान में उतारा है। इसलिए त्रिकोणात्मक का तो अभी कोई फिलहाल मैं मानता नहीं हूँ कि हो जाए। हाँ, निकट भविष्य में नामांकन प्रक्रिया के बाद में नरेश मीणा कितना छाप छोड़ पाते हैं, हालांकि वो युवाओं में काफ़ी चर्चित है कि काफ़ी फेमस है, लेकिन उसको वोट में कितना तब्दील करेंगे, ये बात का विषय है। देखिए, लोकसभा चुनाव अलग चीज़ है, विधानसभा चुनाव अलग चीज़ है। विधानसभा चुनाव में भीतरघात का काफ़ी फर्क पड़ता है। लोकसभा चुनाव में नाराजगी भीतरघात बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है, क्योंकि मतदाता इतनी ज़्यादा संख्या में होता है कि उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता नहीं है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय मुद्दे ज़्यादा प्रभावी होते हैं बजाय के क्षेत्रीय मुद्दों के। ये अलग बात है कि अब जातिगत राजनीति का धीरे धीरे बोलबाला होने लगा है और उसका परिणाम देखने को भी मिला है। लेकिन चूंकि दौसा सीट एसटी के लिए आरक्षित है, ऐसे में यहाँ जातिवाद का भी ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। सामान्य वर्गों, ओबीसी वर्गों, ये सदैव निर्णायक रहे हैं और पिछले दो चुनावों में देखें तो यहाँ बीजेपी का बोलबाला रहा है। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से बने हैं, जब से दोनों बार सीटें बीजेपी ने जीती है, इस बार जो राष्ट्रीय मुद्दों में आप राम मंदिर को ले लो, चाहे विभिन्न परियोजनाओं को ले लो, ईआरसीपी को ले लो या अन्य जो मुद्दे हैं उनको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा तादाद में राष्ट्रीय मुद्दों की तरफ लोगों का आकर्षण है। दौसा का मुकाबला बहुत ही शानदार हो गया है। भाजपा ने दो बड़े नेताओं के आपसी लड़ाई को ध्यान में रखते हुए बीच में एक ऐसा टिकट दे दिया है कि अब मामला बड़ा रोचक हो गया। हालांकि शुरू में लग रहा था कि वो प्रत्याशी भाजपा के कमजोर होंगे कांग्रेस के सामने, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि बस्सी और चाकसू जो उधर का इलाका है वहाँ एसटी वर्ग के अलावा अन्य वर्ग में भी भाजपा का कैंडिडेट मजबूत हो जाएगा। इधर दौसा और अपने बांदीकुई सिकराय साइड में ऐसा लगता है कांग्रेस का कैंडिडेट मजबूत रहेगा। महुआ, लालसोट और सिकराय जो तीन विधानसभा क्षेत्र बच रही हैं वहाँ कौन ज़्यादा वोट ले पाता है, बड़ा रोचक मुकाबला हो गया है। बराबर की टक्कर हो रही है दौसा में बहुत ही। राजस्थान की राजनीति में अभी भूचाल आएगा क्योंकि भाजपा 25 से 25 सीट जीतने का दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं जाट फैक्टर, जो जाट लैंड है वहाँ पे अपनी मतलब सेंध लगाने की कोशिश कर रही है जाट मतदाताओं में। तो उसको देखते हुए अगर कांग्रेस 5 से ज़्यादा सीटें लेती है तो ये जो मोदी का 400 पार का दावा है ये कहीं ना कहीं अब की बार पूरा नहीं हो पाएगा। 2014 में यहाँ पर रोचक मुकाबला हुआ था क्योंकि दो सगे भाइयों को चुनाव लड़ाया गया था, एक भाई कांग्रेस और दूसरा बीजेपी से उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरे थे। कांग्रेस की तरफ से नमो नारायण मीणा तत्कालीन वित्त मंत्री और बीजेपी से हरीश चंद्र मीणा को चुनावी मैदान में उतारा गया था, जिसमें बीजेपी के हरीश चंद्र मीणा की जीत हुई थी। और इसके बाद अगर दौसा के समीकरण देखें 2014 लोकसभा चुनाव को लेकर, तो परिणाम आए थे कि बीजेपी के हरीश चंद्र मीणा को करीब 3,15,059 वोट मिले थे, 33.84% वोट प्रतिशत। एनपीपी के तरफ से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मैदान में थे, 2,69,655 वोट मिले, 28.97% वोट प्रतिशत रहा। कांग्रेस की तरफ से नमो नारायण मीणा मैदान में थे, 1,81,272 वोट मिले, 19.47% वोट प्रतिशत रहा। 2019 के गणित कांग्रेस ने मुरारी लाल मीणा की पत्नी सविता मीणा को चुनावी मैदान में उतारा और बीजेपी ने जसकौर मीणा को चुनावी मैदान में उतारा। 2019 में जसकौर मीणा ने सविता मीणा को हरा दिया। बीजेपी की जसकौर मीणा सांसद बनी जो सवाई माधोपुर जिले की रहने वाली है। अगर इस हिसाब से 2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से जसकौर मीणा को 5,48,733 वोट मिले, 51.63% वोट प्रतिशत रहा। कांग्रेस की तरफ से सविता मीणा 4,70,289 वोट पा सकी और 44.25% वोट प्रतिशत रहा। बीएसपी के तरफ से द्वारका प्रसाद महेश्वर उतरे, 13,414 वोट मिला, 1.26% वोट प्रतिशत रहा। दौसा लोकसभा क्षेत्र में तीन जिलों को, दौसा, जयपुर और अलवर की 8 विधानसभा सीटें आती हैं, इनमें 5 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस का कब्जा है। दौसा विधानसभा से कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा विधायक हैं।
लाल सोटा विधानसभा से बीजेपी के रामविलास मीना विधायक हैं, महुआ से बीजेपी के राजेंद्र मीना और सिकराय से बीजेपी के विक्रम बंसीवाल और बांदी कुई से बीजेपी के भागचंद टाकड़ा यहां पर विधायक हैं, थाना गाजी से कांग्रेस के कांतिलाल मीना और बस्सी से कांग्रेस के लक्ष्मण मीना और चाकसू से बीजेपी के रामावतार बैरवा विधायक हैं। अगर इसके बाद यहाँ के समीकरण की बात की जाए तो जातीय समीकरण में 2011 में जातीय जनगणना की गई थी जिसमें 59.53% यहाँ के साक्षरता बताई गई, ग्रामीण वोटर 15,23,943 बताए गए, 88% के करीब में शहरी वोटर 19,06,083 हैं, 11% के करीब में आते हैं। और स्थानीय लोगों के क्या कुछ कहना है पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ जाति और आबादी के हिसाब से आपको समीकरण बताएंगे। उनका कार्यकाल ठीक रहा, कोई ज़्यादा विशेष भी काम नहीं किया, लोगों के मन में जो ये मोदी लहर चल रही है ना उसी के हिसाब से विकास कार्य मोदी जी का जो विकास हो करवा रहे हैं उसी के हिसाब से जसकोर जी का भी चल रहा है, वैसे अलग से विशेष उपलब्धि वाला काम किया नहीं। अभी लास्ट में जाते जाते उन्होंने ये जो 27 सालों का सपना था हमारे दौसा जिले का ट्रेन का वो गंगापुर उसको चालू करवाया है, वो एक विशेष उपलब्धि है जसकोर जी की या मोदी सरकार की है सब। आपकी बात क्या लगता है कि अब लोकसभा चुनाव का काउंट डाउन शुरू हो गया है, पहले फेज में चुनाव है, तो क्या कुछ दिमाग में चल रहा है कांग्रेस बीजेपी नेता फेस या फिर पार्टी सिंबल? देखिए सर वो तो पार्टी संबंधी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो जैसे मोदी जी का ही चल रहा है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, आजकल सब ग्रामीण जनता भी समझती है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है, पार्टियाँ तो वही काम होते हैं विकास के तो हो ही रहे हैं, राजस्थान में सरकार भी अच्छा काम कर रही है और मोदी जी तो अच्छा कर ही रहे हैं, इसलिए मोदी जी बहुत ही बेहतर कार्यकाल रहा। और आप देख रहे हो 27 साल से जिस चीज़ का इंतजार था अपन लोगों को, वो एक अभिलाषा थी कि गंगापुर लाइन जुड़े और चालू हो, वो केवल सपना ही थी, वो सपना साकार तो है, हमने देखा है। मेरी उम्र 45 साल हो गई है और 45 साल में मैंने जो काम अब देखे हैं 10 सालों में देखे हैं, इतना तेज़ी से विकास मैंने कभी नहीं देखा। अब ऐसा कोई मुद्दा जो आज हुआ नहीं पूरा ऐसा कोई मुद्दा नज़र नहीं आया जो नहीं हुआ, अब आप खुद देखोगे कि चारों तरफ सड़क की क्या व्यवस्था हो गई है, रोड कितनी ज़बरदस्त बिछ गई है, आपके हाईवे कितने बढ़िया सुधर गए हैं, ऐसी व्यवस्था मैंने पिछले 10 सालों से पहले कभी नहीं लगी है। सर कार्यकाल को 0 नंबर देंगे, दौसा लोकसभा क्षेत्र में ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जिसको दौसा की जनता याद रखे, हमारे यहाँ कोई सांसद रहा है पिछले 10 साल में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे जनता को फायदा हुआ हो, जनता की समस्याओं का समाधान हुआ हो, इसीलिए हम दौसा सांसद के पिछले 2 सांसद रहे हैं पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल को 0 नंबर। कह रहे हैं कि 27 साल का जो सपना था ट्रेन का वो भी पूरा हो गया है, सांसद का कार्यकाल जो ट्रेन का जो सपना राजेश पायलट जी की सपना था उनकी योजना थी वो पूरी हुई है, वो अब लोग कहते हैं कि वो बीजेपी ने पूरी की है, क्या कि जब योजना धरातल पर आई थी तो तब टेक्निकल चीजें धीरे धीरे काम करती थी, आज टेक्नोलॉजी बढ़ी है इसलिए काम जल्दी हो गया। आप किस तरीके से देखते हैं 5 साल को? बहुत अच्छे तरीके से मोदी जी ने तो देश में काम किया, सबको पता है, पर ERP से हम राजस्थान मिला तो इसको जल्दी जल्दी लागू करने की कोशिश करेंगे। देखो क्या लगता है कि और कौन से काम थे जो होने चाहिए थे जो अधूरे रह गए? अभी ऐसा कुछ दौसा के लिए है नहीं, जो भी होगा आगामी विकास के कारण जो होगा बहुत अच्छा होगा आगामी जो भी होगा। अगर इसमें ERP कर जाएंगे कोई ढिलाई बरत जाएंगे, देखो किसान लोगों का मुद्दा, किसान लोगों को भी बीजेपी ने आज तक बीजेपी कांग्रेस ने कोई भलाई नहीं किया, लेकिन अगर ये इनके किसान के प्रति या अच्छा विकास करेंगे तो घर घर में पानी पहुंचाने का भाई पानी की पूर्ति की है मोदी जी ने, और मोदी जी की लहर है, मोदी जी पूरी 400 सीटें निकालेंगे और कन्यालाल जी भी जीतेंगे। दौसा लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मीना मतदाता है, यहाँ पर मीना वोटरों की संख्या 7.5 लाख के करीब है और SC और ब्राह्मण मतदाता भी 4-4 लाख हैं। इसके अलावा करीब 2.5 लाख गुज्जर माली और शेष में अन्य जाति के मतदाता भी यहाँ पर हैं। अगर जाति और आबादी के हिसाब से इस क्षेत्र को देखा जाए तो बौद्ध धर्म के 0.03% आबादी है, ईसाई धर्म के 0.08%, जैन धर्म के 0.05%,
मुस्लिम धर्म के 2.5%, अनुसूचित जाति के 21.1%, अनुसूचित जनजाति के 25.9%, सिख समुदाय के 0.31% आबादी है। दौसा लोकसभा सीट पर पहली बार 1952 में चुनाव हुए थे और इस सीट से पंडित नवल किशोर शर्मा, राजेश पायलट, सचिन पायलट, रमा पायलट, किरोड़ीलाल मीना जैसे कद्दावर नेता सांसद बने हैं जिन्होंने देश की राजनीति में अमिट छाप छोड़ी है। दौसा लोकसभा सीट के चुनावी इतिहास पर अगर नजर दौड़ाएं तो दौसा ने 19 बार लोकसभा के चुनाव को देखे हैं। यहां पर सबसे ज्यादा 12 बार कांग्रेस के सांसद बने हैं, 4 बार बीजेपी के, 2 बार स्वतंत्र पार्टी और 1 बार निर्दलीय सांसद यहां पर बने हैं। अब आपको बताते हैं कि इस सीट पर कब कौन किस पार्टी से जीतकर संसद पहुंचा है। 1952 में राजबहादुर कांग्रेस से जीते, 1957 में जीडी सोमानी कांग्रेस से जीते, 1962 में पृथ्वीराज स्वतंत्र पार्टी से जीते, 1967 में आरसी गणपत स्वतंत्र पार्टी से जीते, 1968 में उपचुनाव हुआ और उसके बाद 1971 में इस दोनों बार नवल किशोर शर्मा कांग्रेस पार्टी से जीतकर संसद पहुंचे, 1977 में नाथू सिंह गुर्जर जनता पार्टी से, 1980 में नवल किशोर शर्मा कांग्रेस इंदिरा गांधी वाली पार्टी से, उसके बाद 1984 में राजेश पायलट कांग्रेस से और 1989 में नाथू सिंह गुर्जर बीजेपी से जीते। इसके बाद 1991, 1996, 1998 और 1999 में राजेश पायलट कांग्रेस से जीतकर संसद पहुंचे। 2000 में उपचुनाव हुआ, रमा पायलट कांग्रेस से जीती, 2004 में सचिन पायलट कांग्रेस से जीते, 2009 में किरोड़ीलाल मीना निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते भी, 2014 में हरीश मीना बीजेपी की तरफ से जीतकर संसद पहुंचे, 2019 में जसकौर मीना बीजेपी की तरफ से जीते हैं और इस बार मुकाबला टाइट है क्योंकि 2024 में दोनों उम्मीदवार पहली बार मैदान में है लोकसभा चुनाव में। 2009 में दौसा लोकसभा सीट का परिसमन हो गया और इस सीट पर अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वर्ग के लिए यह सीट को आरक्षित की गई थी। इस सीट को दौसा राजस्थान की बहुचर्चित लोकसभा सीट है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला होगा। दोनों ही पार्टियों ने प्रचार प्रसार में अपनी ताकत झोंक दी है। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के दलों में बड़े बड़े नेता नजर आ रहे हैं और इस पर नजर टिकी हुई भी है लोगों की। साथ ही ये ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर बीजेपी के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना और कांग्रेस के सचिन पायलट की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है और ये सब अपने इज्जत की बात भी चुनावी मैदान में कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में अगर प्रत्याशी की बात की जाए तो 5 प्रत्याशी यहां पर मैदान में है। बीजेपी से कन्हैया लाल मीना है, कांग्रेस से मुरारी लाल मीना है, निर्दलीय प्रत्याशी मोहन लाल मीना है और एक दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर राम स्वरूप मीना है। बसपा के तरफ से सोनू कुमार धानका है। मतलब 5 प्रत्याशी में से 4 ऐसे हैं जो मीना समुदाय से ही आते हैं। इसके अलावा कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीना के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने एक बड़ा बयान दिया जिसको लेकर चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि दौसा से अगर कांग्रेस जीती तो यहां से किसी का भी मंत्री पद नहीं जाएगा। पायलट ने लोगों से आह्वान किया कि मेरी पगड़ी की लाज रखना और इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता का मन बन चुका है कि इस बार दौसा से कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत होगी। पायलट ने यह भी कहा था कि पिछले 15 साल से जो सांसद रहे हैं उन्होंने यहां कोई काम नहीं किया। पिछले 3 चुनाव का दौसा में इस बार सूद समेत हिसाब किया जाएगा और दौसा के लोग ये हिसाब लेंगे। ऐसे में इस सीट पर मीना वर्सेस मीना का मुकाबला देखने लायक होगा। नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर जनता सचिन पायलट की पगड़ी की लाज रखेगी या फिर बीजेपी को समर्थन देकर कन्हैया लाल मीना को वोट देगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।